कोविड वॉर रूम अब बरसाती बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं। मुंबई में मॉनसून ने कदम रखते ही बरसाती बीमारियों को जन्म दे दिया है। बड़ा डर डेंगू का है। बीते साल पूरी जुलाई में मुंबई में डेंगू के जितने मामले आए उससे 49% ज्यादा मामले पहले ही हफ्ते में आ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के पहले 8 दिनों में मुंबई में डेंगू के 91 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि जुलाई 2022 में ये संख्या 61 थी। यानी औसतन प्रतिदिन डेंगू के 11 मामले सामने आ रहे हैं, जिनका औसत पिछले साल प्रतिदिन 2 था। वहीं महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो इस साल जनवरी से लेकर 7 जुलाई तक डेंगू के 709 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 184 मामले दर्ज किए गए थे। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक मुंबई शहर में मलेरिया के 156 मामले, गैस्ट्रो के 474, लेप्टो के 29, हेपेटाइटिस के 34, H1N1 के 34 और चिकनगुनिया के 5 मरीज मिले हैं। बीएमसी में जितने भी कोविड वार रूम हर वार्ड में है उसको अपन हर चीज के लिए, मतलब हेल्थ रिलेटेड हर चीज के लिए अपन उसको यूज कर रहे हैं। जहाँ 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 पे केसेस आते हैं तो वहाँ पे आजू बाजू के 500 घर तक पूरा सर्वे करके वहाँ पे जो भी फीवर के केसेस है उनका सबका अपन स्लाइड लेके उसको जांच के लिए आगे भेज देते हैं। अगर उसमें अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो इमिडिएटली उसको अपन ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। बीएमसी में वॉर रूम में सब ट्रैकिंग होता है, यानी कि जो भी केसेस जहाँ पर भी आता है उसका सारा नोटिफिकेशन बीएमसी को आता है मेल पे, और वो सारा जो नोटिफिकेशन आता है उसको हम लाइनलेस करते हैं, उसका हम डेटा क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हर एक पेशेंट को हम फोन करते हैं और उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछते हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, वेदर उनका एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल में या घर पे है, उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, कितना दिन हो गया, उनके सिम्टम्स क्या थे, अभी क्या हो रहा है, तो सारी चीजें का हम डेटा लेते हैं और एक पूरा एक मैप तैयार करते हैं जिसमें सारे एरियाज में कौन से केसेस कहाँ पे हो रहे हैं उसका मैपिंग होता है। टेस्ट के लिए पहुंच रहे लोग गंदगी, नाले न साफ होना बड़ी बीमारियों का कारण बता रहे हैं। गंदगी तो है ही, थोड़ी बहुत तो होती है, पानी जमा रहता है, आजू बाजू में भी है, पेशेंट भी तो निकलते ही है, थोड़ा सफाई रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बरसात का दौर अभी लंबा है, ऐसे में स्वास्थ्य संकट और बड़ा रूप न ले ले, इसलिए कोविड महामारी के दौरान की पूरी तैयारी अब बरसाती बीमारियों के लिए झोंक दी गई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।